अंदर हम लोग नहीं आते ऐसे परमिशन नहीं आगे थोड़ी कॉफी पी रहे हैं अंदर कॉफी रही भेज दो दैट्स माय फ्रेंड भाव्या हेलो एपिसोड्स देख रहे हो हाँ अंदर पॉप अप चल रहा है स्ट्रीट वेयर ब्रांड का मेरा भी अभी एक क्लोथिंग ब्रांड आने वाला है सो दैट्स व्हाट आई एम वेयरिंग और नॉट इवन ये भाई साहब का ब्रांड है इट्स अ स्ट्रीट वेयर ब्रांड She was in Bandra, so मैंने थोड़ा बुला लिया। Let's showcase that. Look at the pop-up also. Yeah, it was very nice. The stuff is too good. मेरा भी अभी brand जल्दी आने वाला है। सोच रही हूँ अभी Big Boss तो हो गया। एक हफ्ते की journey थी। ऐसा why not get into clothing? Showroom लगा जाना। Yeah, dude, it's high time. I swear, yes. आप लोग क्यों नहीं आते अंदर? You all will have a coffee over. Yeah. आते हैं। खत्म करके। आओगे? आते हैं। खत्म करके वापस। बस हो गया पीछे? हाँ, हो गया। सोलो कर ले हाँ हाँ फोकस करना आउटफिट पे फोकस कर मोबाइल इसका कड़क लाइट मिलती है मोबाइल में ये टाइम पे कड़क लाइट मिलती है चल लगाओ 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 थोड़ा ये साइड ले लें क्या गोल गोल घूम रहा है काशी में अच्छे बैकग्राउंड में नहीं चलेगा इसकी दिक्कत नहीं हाँ चलेगा हम पर तो सब सब चलता है मुझे अंदर नहीं नहीं परमिशन ले लिया मैंने अगर हम लोग को चलना अंदर नहीं चलते हम कर चलेगा चलो वो दूसरा चलो दिखा भी देती आप लोग को बाइट कर लेते फिर चलो म्यूजिक म्यूजिक चल रहा होगा चलो अरे कर ले पलक आफ्टर सो लॉन्ग आज आप हमें यहाँ ये दिखाई दे रही है क्या कुछ कहना चाहेंगे क्या है प्लानिंग्स और आगे के प्रोजेक्ट्स बताइए और जहाँ तक हमने सुना है आप बिग बॉस वाइफ का एंट्री अगर ये सुना है वो सच हो जाए तो बहुत अच्छी बात है डेफिनेटली जाना चाहूँगी एंड हाँ फाइनली आई एम स्टेपिंग आउट बिकॉज थोड़ा सा लो फील कर रही थी जल्दी निकल गई घर से बाहर तो यहाँ पे मेरे एक फ्रेंड का पॉपअप था काव्या का और नॉट इवन उनका ब्रांड है उसको वही सब देखने आई थी बिकॉज लाइक आई सेड मैं अपना खुद का भी ब्रांड सून लॉन्च करने वाली हूँ स्ट्रीट वेयर तो वही सब मुझे देखना था थोड़ा कलेक्शन थोड़ा इंस्पिरेशन लेना था उनके ब्रांड से सो आई एम योर विद अ कपल ऑफ माई फ्रेंड्स मेरा भाई भी आया है तो थोड़ा एज यू ऑल नो माई लव फॉर कॉफ़ी सो आई थिंक बॉम्बे में ये मेरी वन ऑफ द फेवरेट प्लेसेस है मेरी दोस्त की जगह है जुबरान की सो आई एम हियर फॉर दैट टू चिल थोड़ा ईज आउट कर रही हूँ बट होपफुली अगर वाइल्ड कार्ड होता है इनफैक्ट कुछ ऐसे खबरें भी आ रही हैं आशिका आशिका एंड एल्विश एल्विश इज गोइंग अच्छा अभिषेक को थोड़ा सा ऐसे कम्पिटिटिवनेस मिलेगी अभी मेरे को ऐसा लग रहा है क्योंकि अविनाश का गेम काफी ढीला लग रहा है मुझे उनके सामने तो अभिषेक के अगेंस्ट अगर कोई स्ट्रॉन्ग खड़ा हो तो मजा भी आएगा सो अविनाश के साथ तो काफी एक और किस्सा भी चल रहा है कहीं ना कहीं चल रहा है आई थिंक गुड फॉर हिम बट मुझे ऐसा लगता है कि तीन हफ्ते में किसी को प्यार नहीं हो सकता क्योंकि उन्हीं के शब्द थे जिया को फर्स्ट वीक में कि मुझे इस चीज़ में अभी पढ़ना नहीं है प्यार वाले एंगल में या रिलेशनशिप में तो आप तीन हफ्ते में खुद ही बट कहीं ना कहीं आई लाइक यू वगैरह कुछ चल रहा है ऐसे लाइफ गोज ऑन लाइकिंग है भी तो अच्छा है वो मूव ऑन कर चुके हैं आई एम हैप्पी फॉर हिम गॉड ब्लेस दैट गर्ल I've also moved on in my life very well. अच्छा, as per the source ये भी माना जा रहा है कि आपकी भी एंट्री हो सकती है वाइल्ड कार्ड मेरी एंट्री है थर्ड पर्सन आप हो सकते हो हो सकती हूँ अगर आप लोग थोड़े नारे लगाएं और अपनी ब्लेसिंग दें तो क्यों नहीं why not मेरी जर्नी अगर आप एंटर करेंगे तो पिछली बार जब हमने आपको देखा आपका जो किरदार देखा इमोशनली थोड़ा आप जो अविनाश की वजह से जो भी उसके तो अभी भी उसी टॉपिक को लेके आप ये करेंगे या आपका गेम थोड़ा आप बदलेंगे बिल्कुल नहीं मैं जैसी इंसान हूँ मैं जैसे शो में एंटर किया था मैं वैसी ही रहूँगी मैं कुछ अपने नेचर में आपके रूट्स आपका बेसिक नेचर तो कभी चेंज नहीं हो सकता एंड जस्ट टू सर्वाइव इन द शो मैं वो बिल्कुल नहीं बनना चाहूँगी जो कि मैं नहीं हूँ बट डेफिनेटली पेस मेरे गेम का थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाएगा बिकॉज कम हफ्तों का गेम है चार हफ्ते ही बचे बट एक्सटेंशन मिल गया यार तो वाई नॉट बट डेफिनेटली पेस मेरा अभी इस बार अगर मैं री एंटर करती भी हूँ तो थोड़ा ज़्यादा होगा बिकॉज काफ़ी कुछ मुझे पता चला है वापस आके लोगों ने कुछ चीज़ें बोली हैं तो उनका जवाब मुझे देना है जी ओके थैंक यू फैंस
बस ये कहूंगी कि जैसे भी जॉइनी थी, स्वीट और शॉर्ट थी, बट इतना ढेर सारा प्यार आप सब लोगों ने दिया, उसके लिए थैंक यू सो मच। एंड ऐसे ही आप लोगों का प्यार बरकरार रहे।